इस क्लास में आज हम आपको ऋण सेवा या ब्याज सुरक्षा अनुपात के बारे में बताएंगे दोस्तों। इसको बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल डीव टॉक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ नीचे के रेड के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का बटन होगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, उसको आप आसानी से देख पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऋण सेवा या सुरक्षा। इस अनुपात से यह पता लगाया जाता है कि ऋणदाताओं को कितनी सुरक्षा प्राप्त है, लाभ में से कितनी बार ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। यह तत्व हमेशा एक व्यावसायिक संस्था के पक्ष में रहेगा, लाभ की धनराशि भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि से अधिक रहे। यदि ब्याज की राशि लाभ से अधिक होगी तो व्यवसाय की आर्थिक दशा सुरक्षित नहीं होगी। इसका दूसरा अर्थ यह है कि पूंजी में से इसका दूसरा अर्थ यह है यह भी है कि यह भी है यह भी होगा ब्याज भुगतान के पश्चात अंशधारियों के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा तथा ब्याज का भुगतान व्यवसाय में विनियोजित पूंजी में से करना पड़ेगा। ऋण सेवा से आश्रय ऋणों की सेवा करने से है, व्यवसाय में ब्याज का भुगतान आवश्यक रूप से करना होता है, चाहे ब्याज व्यवसाय ने उस वर्ष लाभ कमाया हो या हानि सहन की हो। ब्याज तो स्थिर व्यय है, कंपनी का शुद्ध लाभ ब्याज की राशि का न्यूनतम 6 गुना होना चाहिए, ऐसा लेखा प्रबंधकों का मानना। ऋण सेवा अनुपात की गणना की जा सकती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे के रेड के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो है आप उसको तुरंत मिल जाए और आप आसानी से देख पाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वॉच।